जिसके कारण ही अब पूरे देश में मैं आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी तक भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाई है और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दी है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों की तरह खासकर वहाँ गरीब एवं बेरोजगार लोगों को मामूली सा बेरोजगारी भत्ता ना देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी रही सरकार ने वहाँ गरीबों मजदूरों किसानों वकीलों कर्मचारियों छात्रों युवाओं महिलाओं व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है और इस मामले में हमारी रही सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी रही सरकार ने यहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों गुरुओं वे महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रे शासन काल के दौरान अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही वह हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में आम जनहित के ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, अपनी गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और जब आपके राजस्थान प्रदेश में हमारी पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है, तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ के राजस्थान प्रदेश में भी
हर मामले में वे हर स्तर पर सर्वजन हिताय वे सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके प्रदेश की वे आम जन से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो फिर उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन इन सब कार्यों को करने के लिए अब आप लोगों को यहाँ अपनी खुद की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। जैसे इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव होने से कुछ समय पहले और चुनाव के दौरान भी अधिकांश या विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो इनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारे कर देती हैं, अर्थात ठंडे बस्ते में ही डाल देती हैं। जैसे सन 2014 में देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में बीजेपी व खासकर श्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर चुनावी जनसभा में ये कहा था, खासकर गरीब लोगों को ये कहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर 100 दिनों के अंदर अंदर ही देश के हर गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से उन्हें आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे, जिसे इन्होंने अब अपनी सरकार के लगभग 5 वर्ष पूरे हो जाने पर भी, 4.5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष पूरे हो जाने वाले हैं, तो अपने इस लंबी पूरे समय के अंदर भी अपने इस प्रलोभन भरे चुनावी वायदे को अभी तक भी पूरा नहीं किया है। अन्य चुनावी वायदों का भी इनका यही हाल रहा है। और आप लोगों को और इस मामले में लगभग ये जो चुनावी घोषणा पत्रों को सत्ता में आने के बाद लागू करने के मामले में लगभग यही रवैया हमें केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकारों का भी। We'll be right back.